दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे होंगे 28x35 का होम डिजाइन आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा और आप ये स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ये मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे जिसका साइज 28 फीट चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो 35 फीट। ये हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला था, तो मैं उनकी कहने पर यह डिजाइन दे रहा हूँ आपके लिए। तो आप फुल डिटेल मैं आपको बताऊंगा इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर विद स्पेसिफिकेशन। तो आप सिर्फ बने हैं इस वीडियो में लगातार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लगातार लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लगातार आपको देता रहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी टाइप का होम डिजाइन का वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो उस टाइप का आप यहाँ पर देख कर अपना घर आप क्रिएट करवा सकते हैं। तो चलो इसको आज हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ले चलूंगा इसके ग्राउंड फ्लोर पर। जैसा आप ग्राउंड फ्लोर देख पा रहे होंगे, ये तो जैसा भी ग्राउंड फ्लोर पर जाते हो तो यहाँ पर देखिएगा आपको टॉप व्यू आपको ऐसा दिखेगा और फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा। फ्रंट का जो मेन डोर है ये आपका सामने से ये दिखने वाला है। यहाँ से आप एंटर करेंगे और जैसे एंटर करते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको एक बेडरूम मिलता है ये वाला। अगर टॉप से देखें आपको ये बेडरूम मिलेगा और साइड में आपका ये एक बेडरूम दिखने वाला है। ये आपका टोटल किचन और लेटरिंग और बाथरूम है। ये आपका स्टोर रूम है पीछे, जैसा कि आप देख, या तो आप इसको ओपन एरिया भी छोड़ सकते हो। और साथ ही साथ ये आपका किचन है, ये आपका लेटरिंग बाथरूम, ये किचन, ये एक बेडरूम है और ये एक बेडरूम, ये तीन बेडरूम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। इस वाले बेडरूम के लिए यहाँ से डोर दिया है, इसके लिए यहाँ से डोर और विंडो है। और अगर सामने की बात करें, ये आपका दोनों रूमों के लिए टॉयलेट कम्बाइंड एंड बाथरूम आपको यहाँ पर मिलता है। ये पीछे आप यहाँ पर ओपन एरिया छोड़ सकते हैं वेंटिलेशन के लिए, या अपना आप स्टोर रूम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरी हम बात करें दोस्तों फ्रंट की, अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हो फ्रंट से इस रूम के लिए आपको यहाँ से भी एक डोर मिलेगा। और ये डिजाइन सिर्फ दिया है, ये और कुछ भी नहीं, सिर्फ ये डिजाइनिंग के लिए ये डोर और एक विंडो है और फ्रंट डोर आपका ये है। तो ये पूरा है इसका ग्राउंड फ्लोर। आप इसके हम फर्स्ट फ्लोर पर आपको ले चले, जैसे फर्स्ट फ्लोर पर ले चलेंगे तो ये फ्रंट से आपको ऐसा फर्स्ट फ्लोर दिखने वाला है जैसा कि आप देख पा रहे होगे। फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर सेम ही है। और अब अगर मैं ग्राउंड फ्लोर की स्टेयर्स की बात करूँ तो वो आप देख रहे होंगे, यहाँ से आपको स्टेयर्स दिया है और यहाँ से आप ऊपर जा पाएंगे, जो कि आपका स्टार्टिंग भी मिलता है। और जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो सेम टू सेम स्टेयर्स है। और आप जैसे यहाँ चढ़ के आएंगे तो आपको फिर से सेम सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वही बेडरूम और वहीं पर आपका लेटरिन बाथरूम और किचन भी मिलेगा, वही स्टोर रूम भी मिल जाएगा। ये अगर आप ओपन रखेंगे दोस्तों, नीचे से अगर ओपन रखेंगे तो ऊपर तक ओपन होकर ही आएगा ये वाला एरिया। अगर आप नीचे यूज करेंगे तो यहाँ पर भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो वहीं आपका मेन डोर, अगर हम डोर की बात करें तो इसकी एंट्री के लिए यहाँ पर डोर दिया है और इस वाले रूम के लिए ये एंट्री के लिए है। और आपका किचन में जाने के लिए यहाँ पर आपका डोर दिया। और ये आप जो ऊपर देख पा रहे होंगे वेंटिलेशन के लिए आपका यहाँ पर मैंने सारी चीजें दे रखी हैं। और इस वाले रूम की बात करें, फ्रंट पर रूम है, ये आप यहाँ पर एंटर कर पाएंगे विद विंडो। उसके बाद आपकी बालकनी मिलती है अप्रोक्स 2.5 फीट की। और इसका लास्ट फ्लोर की अगर बात करें तो लास्ट फ्लोर भी यहाँ पर आएंगे और ये आपका यहाँ पर जीना ढक जाता है, इससे आपका बारिश में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये पूरा डिजाइन था जो मैंने आपको डिस्कस किया 28x35। जैसा कि आप फ्रंट भी देख पा रहे होंगे साइड, तो इसको आप ट्रांसपेरेंट करके भी आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट में आपको ये कैसा दिखने वाला है। तो जैसे आप ट्रांसपेरेंट करोगे तो ये मॉडल आपका पूरा यहाँ पर दिखने वाला है फ्रंट से लेकर नीचे तक। और अगर हम साइड की बात करें तो ये सिर्फ डिजाइनिंग है जो आप देख पा रहे होंगे, इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी जैसे रिमूव करूंगा तो फिर से ये ओरिजिनल पोजीशन पर आपका आएगा। और ये सिर्फ डिजाइनिंग के लिए मैंने क्रिएट किया था। तो ये वीडियो जैसा भी आपको लगा कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब।